तो हेलो गाइस, अगर आपका अकाउंट एनएसडीएल पेमेंट बैंक में है और आपको स्टेटमेंट की रिक्वायर्ड है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि एनएसडीएल पेमेंट बैंक में स्टेटमेंट को कैसे डाउनलोड किया जाता है, वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये प्रोसेस आप मोबाइल बैंकिंग से कर सकते हो, इसीलिए एनएसडीएल पेमेंट बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना है, रजिस्टर्ड करना है और साइन अप करना है। उसके बाद जो भी अपने एम पिन दिया है उस एम पिन को देना है यहाँ पे और जो है लॉगिन कर लेना है अपना मोबाइल बैंकिंग को। तो चलिए मैं अपना मोबाइल बैंकिंग पर लॉगिन हो जाता हूँ। उसके बाद आप यहाँ से अकाउंट्स डिटेल्स देख सकते हैं, तो यहाँ मोर डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ मोर डिटेल्स पे आपको क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं व्यू स्टेटमेंट, तो यहाँ से व्यू स्टेटमेंट पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका अकाउंट से जितना भी ट्रांजैक्शन होगा यहाँ पूरा शो हो जाएगा। इसको सिंपली आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर दिख रहा होगा ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपको कैसा स्टेटमेंट चाहिए, आपको फाइनेंशियल ईयर का चाहिए कि आप पास्ट वन ईयर का चाहिए या छः महीने का चाहिए या तीन महीने का चाहिए या रिसेंट ट्रांजैक्शन चाहिए, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं या फिर डेट वाइज भी आप चूज़ कर सकते हैं कि इस महीना से इस महीना तक के लिए ही चाहिए, तो आप डेट वाइज भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, उसके बाद कन्फर्म कीजिए। ओके, उसके बाद डाउनलोड पर आपको सिंपली जो है वो नीचे दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना पड़ेगा। तो चलिए मैं मंथ ले लेता हूँ, वन ईयर ले लेता हूँ। ओके, उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ से देख सकते हो ऊपर डाउनलोड स्टेटमेंट। तो यहाँ से जो है मेरा स्टेटमेंट डाउनलोड हो चुका है, सिंपली ये पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड होता है। तो आप इस तरह से जो है आसानी से जो है एनएसडीएल पेमेंट बैंक का जो है स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट होता है या कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा या मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा।